जिला कांगड़ा का अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल में 10 दिन पहले हुई भारी हिमपात के कारण धाराओं में फंसे भेड़ पालक व पशुपालकों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन धाराओं में कई लोग अभी भी फंसे हैं तथा भूखमरी की नौबत आ गई है। उनके साथ भेड़े बकरियां व पशु भी बर्फ की चपेट में आकर मरने की आशंका जताई जा रही है। अचानक हुई खराब मौसम की वजह से बड़ा बंगाल की तरफ से थमसर जोश से होते हुए भेड़ पालकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां की स्थिति आपातकालीन पैदा हो गई थी और इसी स्थिति से निपटने के लिए नायब तहसीलदार जगतराम पटवारी, हल्का राजगुंधा, विलायती राम पुलिस आरक्षी, पशुपालकों के साथ स्थानीय लोगों में गर्जा राम, ब्रह्मदास, सोंकी राम, मोहनलाल, यशपाल, राजकुमार, रामदयाल, मेघ राम, बलदेव, मोहन सिंह, रमेश चंद, मुंशी सुरेश आदि के साथ बातचीत में चर्चा की गई। भेड़ पालक बोटराम ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि मुराला जोत में एक भेड़ पालक तथा उसका पूरा पशुधन बर्फ में पूरी तरह से दब गया है तथा खराब मौसम होने की वजह से वहां पर पहुंचना संभव नहीं है तथा बचाव दल अभी भी उसे नहीं निकाल पाया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वहां तक पहुंचना तभी संभव हो पाएगा जब रास्ता व मौसम ठीक हो पाएगा। बड़ा बंगाल में थमसर जोत से छोटा बंगाल के पचालक गांव में पहुंचने पर भेड़ पालकों ने बताया कि यहां तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 दिनों से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खाकर गुजारा किया तथा भूख व फाके से मुश्किल का सामना करना पड़ा और आज 3 दिनों के बाद खाना खाया। उन्होंने बताया कि खराब रास्ते को तुरंत युद्ध स्तर पर बनवाया जाए ताकि अभी भी थमसर व दूसरी धाराओं में फंसे भेड़ पालकों व लोगों के लिए राशन, दूसरी सामग्री पैदल मार्ग आते पहुंचाना असंभव है, क्योंकि थमसर जोत में बर्फबारी हो रही है। इसीलिए बड़ा बंगाल की घाटियों में फंसे भेड़ पालकों के लिए खाद्य सामग्री हवाई सेवाएं से पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पैदल रास्ते में काली हानी नाले का पुल बारिश से टूट गया है, इसलिए बड़ा बंगाल की तरफ से भी इन पशुपालकों की मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। उन्होंने कहा कि 20 से 25 पशुपालक अपने पशुधन के साथ काली हानी नाले एवं थमसर जोत में फंसे हुए हैं, जिनकी सिर्फ हवाई सेवा से ही मदद की जा सकती है। बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए इन पशुपालकों ने अपनी दुख भरी दास्ता सुनाते हुए बताया कि खाने की सामग्री बिल्कुल खत्म हो गई थी। बड़ी मुश्किल से रोटी का एक एक टुकड़ा खाकर अपनी जान बचाकर पशुपालक यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि झोड़ी तक पैदल मार्ग टूट जाने की वजह से करीबन 200 से 250 घोड़े भी फंसे हुए हैं तथा कुछ घोड़ों के मरने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रास्ते को जल्द ठीक करवाएं तथा लोगों को राशन पहुंचाने के लिए भी प्रशासन से आग्रह किया गया। ये रास्ता ऐसी है 20-22 दिन तक ये रास्ता बंद था, फिर यहाँ से भी कोई पब्लिक नहीं गया था। कौन सा रास्ता बंद था? ये झोटी वाला रास्ता जी। अच्छा, कैसे बंद हुआ ये? ये ऊपर से झोला गिर गया ना। अच्छा, फिर हाँ, कब गिरा था ये? ये अगस्त महीना में जी। अगस्त महीने पिछले साल। हाँ, फिर? अच्छा, फिर वो बड़ा मंगल जो सोसाइटी के ठेकेदार था, वो गोगोशा नवरोट का, वो अच्छा अच्छा हाँ। उसको राजन रोक लिया यहाँ, फिर वो आ गया मेरे पास। उसने पहला नीचे बैनर में आई चिमकी पास चले गया होगा, भाई बोलता सर भाई मैंने बड़ा मंगल में भाई राजन पहुँचाना ही है, भाई वहाँ रास्ता बंद है। तो ठेकेदार के साथ भाई आई चिमने बात किया कि भाई भाई लेबर, फिर गोगोशा ने बोला लेबर ऊपर प्लाजंग में भाई थापा है, भाई थापा का साथ वो कर सकते हैं काम। किसने बोला ये? ये मतलब जगदार ने को, मतलब जगदार ने को घोषाने। फिर हाँ, वो घोषा मेरे पास आ गया, फिर वो घोषाने मेरे को आइटम के पास लेके गया, बोलता भाई आपको आइटम ने बोला रही है। अच्छा, ठीक है। फिर मैं 4:30 बजे बैनर आइटम कोर्ट में पहुंच गया, फिर आइटम ने मेरे को पूछा भाई कैसे कैसे है, फिर मैंने आइटम को बोला सर बात ऐसे ऐसे है भाई, 4 लाख नहीं लगना, 3 लाख नहीं लगना है, 10 आदमी 20-22 दिन लगना ही है भाई, 500 रुपए दायरे दवा होना चाहिए। आइटम ने काफी ले लिया, 500 का दायरे के हिसाब से भाई 1 लाख रुपए बन गया। फिर आइटम ने बोला भाई जाओ आप, बोलता वो रास्ते को बना लो। फिर मैंने मनाली से लेबर लेके आया, छोकर यहाँ लेबर कोई नहीं मिला, फिर मनाली से मेरा लड़का ने वो अपना गड्डी छोड़ करके लेबर लेके यहाँ ये रास्ता बना लिया जी। फिर 22 दिन लगी गया ये, फिर इसी रास्ते से मेरी आइसक्रीम भी गया, वीडियो साहब भी गया इसी रास्ते से, फिर हमारा ये बड़ा रंग प्रधान भी चल गया, मुल्तान का प्रधान भी गया। फिर आइसक्रीम ने मेरे को बोला भाई रास्ता बना लिया, मैंने भाई रास्ता बना लिया सर, आप इसी रास्ते से भाई आप जाओ आप उसको देख लो। फिर आइसक्रीम ने बोला भी कोई बात नहीं था, बोलता मैं चंबा होकर जाना है भाई, जब नीचे आएगा भाई तेरा पैसा मिल जाएगा। आइसक्रीम ने मेरे को फोन नंबर भी दे दिया अपना नाम ले करके। फिर आइसक्रीम चल, रोटी की समस्या आई हमारे को, रोटी नहीं मिली। अच्छा, ऐसे बस क्यों दिक्कत आई रोटी की इस बार? जब घोड़े पर राशन नहीं गया था क्या करना? क्यों राशन नहीं गया इस बार? ये रास्ता जो टूटा हुआ था,
अच्छा, तो कैसे कैसे गुजारा किया आपने? बस ऐसे ही, कुछ पिछले साल का था थोड़ा मतलब, वो भी ले लिया, कुछ मूल ले लिया। क्या भाव मिला? भाव की तो बात लेना जो, लेकिन मिल गया, ये शुक्र है भगवान का। तो डीपू से मिला राशन आपको? मैं डीपू का राशन नहीं मिला, डीपू का मिलता तो तुम क्या नाम देते? अच्छा ठीक है, पहले ही मिलता था जब ये झूलो था ना अपना बधाई, अच्छा ठीक है, मिलता था हमारे को। फिर क्यों बंद कर दिया? ना जाने क्यों बंद कर दिया, ये सरकार ने क्या किया, बधाई ने क्या किया, ये प्रभु जाने क्या। तो कितने